हेलो एंड वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। मैं हूँ इरफान और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने पेन ड्राइव, रिमूवेबल ड्राइव को एज ए रेडी बूस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने एक पीसी का रैम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने पेन ड्राइव से, अपने मेमोरी कार्ड से, अपने रिमूवेबल ड्राइव से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको प्लग इन करेंगे अपने पेन ड्राइव को। मैंने ऑलरेडी प्लग इन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं माय पीसी में मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरफान वानी जो हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एंड से कि मैं इसको निकालता हूँ, पहले पहले इसको सेफली रिमूव करता हूँ। इजेक्ट, इजेक्ट हो गया, इसको मैं निकालता हूँ और अब मैं इसको प्लग इन करता हूँ फिर से। ये मैंने प्लग इन किया अपने यूएसबी ड्राइव को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इरफान वानी जो ड्राइव है ये MBT है और इसको मैं यूज करूंगा एज ए रैम फॉर द कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ड्राइव पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके इसके ऑप्शंस में जाके प्रॉपर्टीज में आपको एक टैब यहाँ पे मिलेगा रेडी बूस्ट। तो रेडी बूस्ट का क्या फंक्शन है यहाँ पे, स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस ऑन द डिवाइस, ऑन दिस डिवाइस। ओके, सो वट वी हैव टू डू हेयर इज देर आर थ्री ऑप्शन, यू कैन सी देम। डू नॉट चूज दिस डिवाइस द फर्स्ट रेडियो बटन, सो वी डोंट हैव टू चूज दिस वन। एंड द सेकेंड वन इज डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। सो आप इस जो स्पेस जो है, जो ये डिवाइस है जो मैंने कनेक्ट करके रखा है, जो पेन ड्राइव, इसको हम रेडी बूस्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे तो फिर ये जो है इसको यूज करेगा। ठीक है, तो अप्लाई करके हम इसको ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो ड्राइव है कुछ फुलफिल हो गई है, इसमें कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो गया है। अभी इससे पहले 14.9 GB इसमें स्पेस अवेलेबल था आउट ऑफ 14.9 GB। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें है 10.9 GB फ्री स्पेस आउट ऑफ 14.9 GB। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4 GB ऑफ स्पेस हैज बिन ऑक्यूपाइड बाई दिस रेडी बूस्ट। ओके, तो आप ये भी देख सकते हो कि इस वाले जो पेन ड्राइव में है रेडी बूस्ट की एक जो है फाइल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन आप तब यूज कर सकते हो जब आपको लगता है कि हमारी रैम जो है वो थोड़ी बहुत स्लो है या कम है। किसी के पास 1 GB की रैम होती है, 512 GB, 512 MB की रैम होती है, या फिर 2 GB की रैम होती है, तब उस टाइम पे आप इस पेन ड्राइव को एज यू नो एक्सटर्नल रैम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा और फ्यूचर में भी आपको मैं ट्यूटोरियल्स भेजता रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट।